नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका ऑनलाइन वाले नितिन मल्होत्रा। वेलकम टू ग्रीन डेली डेरिस गार्डन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट के बारे में जो मुझे नहीं लगता कि किसी को उसके बारे में ना पता हो। वो बहुत ही फेवरेट प्लांट है और ज़्यादातर हर किसी के घर में वो प्लांट पाया जाता है। उसका नाम है मनी प्लांट। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मनी प्लांट की गर्मियों में, समर्स में केयर कैसे करनी है। वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। अब ये प्लांट सबका इतना चहता है तो सबको इसकी केयर करनी भी आनी चाहिए और सबकी टेंशन भी रहती है कि कैसे इस प्यारे से चहते से प्लांट को अच्छे से जल्दी ग्रो करें, बड़ा करें और खूबसूरत बनाएं। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा इसके बारे में। तो दोस्तों, मनी प्लांट के बारे में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले उन क्वेश्चनों पे ध्यान देते हैं और उनमें से शायद आपका भी कोई क्वेश्चन होगा और उसका आंसर आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा कि मनी प्लांट को तेज़ी से कैसे बढ़ाएं, उसे घना कैसे करें, मनी प्लांट को कहाँ रखना चाहिए, पानी कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कटिंग से कैसे लगाना है, खाद कौन सी देनी है, कब देनी है, कटिंग लगाते हैं पर कटिंग से चलता नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मनी प्लांट के बारे में फुल डिटेल होगी और वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। स्किप करके अगर आप देखेंगे और बीच में कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी तो वीडियो देखने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे और करता हूँ, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा उन्हें जिन्हें गार्डनिंग का शौक है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और भी है कि मैं चाहता हूँ कि पौधे हर कोई अपने घर पर लगाए, और पौधे लगाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप इन्हें इजीली लगा सकते हैं, आपके पास जगह बड़ी है, जगह छोटी है, मैटर वो नहीं करता। एक पौधे की जगह है तो बेशक ये लगाइए तो सही, और आप अपने सुझाव जो है वो हमें ज़रूर दीजिए। आपके सुझाव, आपके आइडियाज़ अच्छे लगेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ उनको शेयर करूंगा। देखिए, एक दूसरे के सुझाव और आइडिया से मिलजुल के हैं हम अपने घर के वातावरण को, अपने शहर के वातावरण को, अपने देश के वातावरण को और इस विश्व के वातावरण को एक अच्छा बना सकते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ से ही हो पाएगा। तो सबसे पहला आपने काम करना है, जब आपका प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो ये मोस्टिक लगानी है। और ये नोट्स देख रहे हैं आप, ये नोट इसके साथ चिपक जाती हैं और सारे पोषक तत्व इससे लेती हैं, इस मोस्टिक से ये जड़ें, और इससे हमारा प्लांट बहुत तेज़ी से फैलेगा, बहुत घना हो जाएगा। तो मोस्टिक ऊंचाई की तरफ बहुत जाएगा, इसको लगाने से सारा भी मिल जाता है और न्यूट्रिएंट्स जो भी खाना पानी होता है सब इससे प्लांट ले लेता है। इसको आप ज़रूर लगाइएगा, पहला टिप तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि पानी जब भी आप दें इस मोस्टिक के थ्रू ही दें। ये देखिए प्लांट कितना लंबा हो गया अभी, ये क्योंकि नीचे से जड़ों को पानी मिल रहा है और ये ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ से जितना ऊपर बढ़ जाता है प्लांट, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ और दूसरी जगह पे लगा देता हूँ, क्योंकि इतना फैलेगा अभी तो कहाँ रखूँगा। तो ये यहाँ से कटिंग करके, जो नॉट देख रहे हैं आप, इसको कटिंग की और इसको मैंने मिट्टी में लगा दिया या पानी में लगा दिया। कटिंग से कैसे लगाना है इसका पूरा वीडियो मैंने एक और बना रखा है अपने चैनल पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पानी जब भी आप दें इस मोस्टिक के थ्रू ही दें, और पत्तियों पे स्प्रे जो है आपने सुबह के टाइम गर्मी में जरूर करना है। ये देखिए मैंने स्प्रे कर रखा है। स्प्रे करने से क्या होता है कि क्योंकि इस प्लांट को ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है, ज़्यादा पानी दोगे प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा, प्लांट मर जाएगा, पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा स्प्रे सुबह करते रहिए और मोस्टिक में थोड़ा पानी डालते रहिए। मोस्टिक आपकी हमेशा गीली रहनी चाहिए तो प्लांट आपका अच्छा चलेगा। स्प्रे बोतल से पानी स्प्रे करना है, किसी डिब्बे से नहीं डालना, या हाथ से छिड़काव कर सकते हैं। तेज की जो ये नॉट्स होती हैं, ये तो ये जड़ नॉट्स देख रहे हैं आप, ये अपने आप मोस्टिक जब गीली रहेगी वहाँ से पानी ले लेंगी। और पानी इसको रोज नहीं देना, आपने पानी तभी देना प्लांट में नीचे जड़ों के पास जब मिट्टी सूखी हो। जब वहाँ की मिट्टी सूख जाएगी तो ही पानी दीजिएगा, नहीं तो प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा ज़्यादा पानी दोगे तो। क्योंकि ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं वो कम वाटरिंग की वजह से के बजाय ओवर वाटरिंग से ज़्यादा ख़राब होते हैं। और दोस्तों, इसकी ज़्यादा ग्रोथ अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत तेज़ी से फैले और बहुत जल्दी फैले, तो आपने क्या करना है, इस पर सीवीड एक्सट्रैक्ट नाम सुन लीजिए, इसका स्प्रे 15 दिन में एक बार आपने पत्तियों पे अच्छे तरीके से करना है। सीवीड एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है, कहाँ से मिलता है, इसका पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं।
प्योर ऑर्गेनिक होता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता और इसका रिजल्ट सारे प्लांट्स पे बहुत ही अच्छा होता है। इससे कोई भी आपका प्लांट होगा वो बहुत तेज़ी से फैलेगा, बहुत घना हो जाएगा। तो इसको आप 15 दिन में एक बार ज़रूर यूज़ करिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ये प्लांट हमने रखना कहाँ पे है। डायरेक्ट धूप में इस प्लांट को बिल्कुल भी नहीं रखना आपने, आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको रोशनी मिलती रहे। ये इंडोर भी रख सकते हो, पर इंडोर का मतलब ये नहीं है कि इसको आपने बिल्कुल ही अंधेरे में रख दिया जहाँ पे हवा बिल्कुल ना आती हो। इंडोर भी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे खिड़की के पास हो तो बेटर है, नहीं तो हवा वहाँ पे आती रहनी चाहिए और रोशनी इसको मिलती रहनी चाहिए। अगर बिल्कुल इंडोर रखा हुआ है तो हफ्ते में एक दिन सुबह की सिर्फ हल्की जो धूप आती है वो सुबह की 2 घंटे की धूप इसको दिला दीजिए और वापस इसको अंदर रख दीजिए। तो डायरेक्ट धूप में रखेंगे प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। इंडोर रखिए, छाया वाली जगह पर रखिए, प्लांट बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इस प्लांट को कटिंग से आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं, पानी में भी लगा सकते हैं, दोनों जगह ग्रो करता है। कटिंग से कैसे लगाना है इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हो, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और कटिंग से अगर आप चाहते हैं कि हमारा प्लांट जो है वो काफ़ी भरा भरा सा रहे तो एक प्लांट में चारों तरफ और बीच में कटिंग काफ़ी सारी लगा दीजिए। तो जब सारा वो धीरे धीरे ग्रो करेगा तो इकट्ठा, जब भी वो सारा इकट्ठे पत्ते जो हैं इकट्ठे ग्रो करेंगे, इकट्ठे बड़े होंगे, तो आपका प्लांट जो है भरा भरा सा अपने आप बन जाएगा और खूब बुशी प्लांट बनेगा, खूब अच्छा दिखेगा। एक कटिंग लगाओगे तो वो एक ही जगह से निकलेगा तो फिर पूरा भरा हुआ नज़र नहीं आएगा। तो अलग अलग कटिंग लगा दीजिए, 8-10 सारी भर दीजिए कटिंग से, तो बहुत अच्छा और हरा भरा प्लांट आपका दिखेगा। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी फर्टिलाइज़र की। 15 दिन में एक बार गर्मियों में आप इसको कोई भी लाइट फर्टिलाइज़र लाइक वर्मी कंपोस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है उसको बोलते हैं टी कंपोस्ट, या फिर किचन वेस्ट से जो फर्टिलाइज़र बनता है लिक्विड फर्टिलाइज़र वो भी आप दे सकते हो। ये फर्टिलाइज़र आप इजीली जो किचन वेस्ट वाला होता है ये आप घर पर बना सकते हो। टी और चाय की पत्ती जो होती है, चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र भी आप इसको दे सकते हो। जो चाय पत्ती हम चाय बनाते हैं उसकी चाय पत्ती जो होता है उसको अच्छे से धो लीजिए, धोने के बाद उसको सुखा लीजिए, सुखाने के बाद उसके पानी उसको थोड़े दिन बाद उसको थोड़ा थोड़ा प्लांट में डाल दीजिए या उसको पानी में भिगो के रख दीजिए। इसका भी पूरा जो डिटेल से वीडियो मैंने बना रखा है, अभी इसमें बता नहीं पाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र का वीडियो मेरे चैनल पे है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि कैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में मैंने आपको बताया कि टी कंपोस्ट, किचन वेस्ट और इसका चाय की पत्ती का पानी और बनाना पील फर्टिलाइज़र, ये फर्टिलाइज़र 15-15 दिन के गैप में आपने देने हैं। ऐसा नहीं करना कभी भी कि आपने एक 15 दिन आज दिया, 15 दिन बाद फिर वही फर्टिलाइज़र दे दिया। फर्टिलाइज़र हमेशा हर प्लांट को बदल बदल के देना है, क्योंकि हर फर्टिलाइज़र में अपने गुण होते हैं और हम एक ही तरीके के प्लांट जो फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो प्लांट को जो और पोषक तत्व दूसरे प्लांट से चाहिए वो मिल फर्टिलाइज़र से चाहिए वो मिल नहीं पाएंगे। तो हर 15 दिन में अपने फर्टिलाइज़र को बदलिए। फर्टिलाइज़र कैसे बनाने हैं इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें जब कटिंग से आप लगाते हैं तो कटिंग में जो मिट्टी होनी चाहिए वो सॉइल मिक्सचर क्या होता है कि एक पार्ट नॉर्मल गार्डन सॉइल, एक पार्ट वर्मी कंपोस्ट और एक पार्ट रिवर सैंड, और थोड़ी सी उसमें मिला दीजिए आप नीम खली पाउडर। तो कटिंग में लगाने के लिए इस तरीके का सॉइल मिक्सचर बनाइए आप, प्लांट आपका अच्छा चलेगा। अब ये देखिए, ये मैंने कटिंग से लगा रखे हैं जो मैंने अभी दिखाया था आपको, कि ऊपर से जब मेरा प्लांट बहुत लंबा हो जाता है तो मैं ऊपर से कटिंग काट के लगा देता हूँ। ये यहाँ देखिए कितने अच्छा, ये कभी लगाया था मैंने कुछ दिन पहले ही, बड़ा सा हो गया है, थोड़ा ये ज्ञान लगा रखा है। और ये देखिए, ये भी कटिंग से मैंने चारों तरफ लगाया था, एक एक कटिंग चारों तरफ भरती थी और अभी चारों तरफ से कितना भरा हुआ निकल रहा है। अब मैं थोड़ा सा ये बड़ा और हो जाएगा तो मैं इसमें मोस्टिक लगा दूंगा तो ये ऊपर की तरफ और फैलेगा। पत्ते भी इसके बहुत अच्छे आ रहे हैं, ये सब सीवीड एक्सट्रैक्ट से हुआ है और ये एक मैंने अंदर इंडोर लगा रखा है। ये देखिए, ये भी कैसे अच्छी तरह से चल रहा है, अच्छे से फैल रहा है। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं दोस्तों आप उस तरीके से फॉलो करेंगे तो गारंटी से आपका जो मनी प्लांट है बहुत अच्छा ग्रो करेगा। देखिए मैं तो कोई जादूगर नहीं हूँ, जो बातें मैंने आपको बताई हैं मैं भी उसी तरीके से करता हूँ और प्लांट अच्छा चल जाता है। देखिए प्लांट जब भी आप लगाते हैं थोड़ी केयर तो आपको प्लांट की करनी है, ज़्यादा मत करिए, थोड़ी देखभाल कर लीजिए। देखभाल में क्या होता है, बस एक बार प्लांट को दिन में एक बार देख लीजिए कि कोई पत्ते जो है सड़ गल तो नहीं रहेगा, जो पत्ते सड़े गले हैं उन्हें आप निकाल दीजिए, टाइम टू खाद पानी देते रहिए और कहाँ रखना है प्लांट को ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो बस इन चीज़ों को फॉलो करिए और बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको अच्छी लगी बातें, अच्छी लगी टिप्स और अगर आपका प्लांट अच्छा चलेगा
तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। आप भी अपने सुझाव दीजिए और हमारी छोटी सी यूट्यूब की फैमिली में चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी शामिल हो जाइए। हम लोग मिलजुल के अच्छी कोशिश करते हैं कैसे हम वातावरण को साफ रख सकते हैं। देखिए प्लांट जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में, कि हम कैसे अपने ऑक्सीजन देते हैं, तो कैसे ऑक्सीजन अपने घर में बना सकते हैं, तो ये सब हम लोग मिलजुल के कर सकते हैं। एक इंसान के करने से कुछ नहीं होता। तो आप आइए, शामिल होइए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।